कल हम लोग लेक्चर 14 कंप्लीट किया था और उसमें हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था। असाइनमेंट हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था। तो कल के ऑब्जर्वेशन से अगर कोई बात ध्यान में आई हो तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो अपने को ये देखना था कि अभी हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसका स्रोत संबंध है, व्यवस्था है, सहस्तित्व है या मान्यता है और संवेदना है। ये काम एक तरीके से देखें तो हम कंसिस्टेंटली कर ही रहे हैं, हर बैच में कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं ना? उसी को इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, उसको उलट पुलट कर भिन्न भिन्न आयाम से, भिन्न भिन्न कोणों से, भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है कि हम अलग अलग तरह से अपने आप को ऑब्जर्व करें। उसी क्रम में हम लोगों ने कुछ एक या दो दिन पहले असाइनमेंट लिया था कि हम देखें कि हमारे अंदर न्याय के प्रति निष्ठा कितनी है विचारों में। वैसे कल हम लोगों ने ये बात ऑब्जर्व करने का प्रयास किया था कि हम जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं उसका मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, टेस्ट से आ रहा है या मानव लक्ष्य के अर्थ में भागीदारी से आ रहा है या संबंध के भाव से आ रहा है। तो मूल्य मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ हम चयन कर रहे हैं या रुचि मूलक आस्वादन के अर्थ में चयन कर रहे हैं, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप देखें तो हम डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज का जो निर्वाह कर रहे हैं, गए मार्केट में कुछ खरीद ला रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली जो हमने सिलेक्शन किया है वो किस आधार पर किया है। कल हम लोगों ने इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे उस पर भी ध्यान दिया था। अगर रुचि मूलक आसाधन के अर्थ में कर रहे हैं तो सिंपली उससे जो सेंसेशन मिल रहा है उससे सुख पाने के अर्थ में करेंगे। अगर मूल्य मूलक या भाव मूलक के अर्थ में करेंगे तो फिर हम उसमें संबंध में अपनी भागीदारी को भी देखेंगे कि संबंध में उभय सुख की संभावना है कि नहीं इस सिलेक्शन के साथ। और लक्ष्य मूलक आस्वादन के साथ देखेंगे तो हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी को देखेंगे। मेयरली एक या दो लोगों के बीच संबंध की बात नहीं है, पूरी प्रकृति में अपनी भागीदारी को देख पाने की बात है। तो कोई सुविधा ला रहे हैं उससे अल्टीमेटली मानव समाज का क्या हो रहा है, प्रकृति का क्या हो रहा है ना, अगर मैं उसका चयन कर रहा हूँ। तो हम घर में कोई फर्नीचर लगा रहे हैं, घर में कोई हम वस्तु लेकर आ रहे हैं, अपने लिए कोई वस्तु खरीद रहे हैं, क्या हम उसको पूरी व्यवस्था में भागीदारी के साथ जोड़ कर देख पा रहे हैं या मेयरली हमको लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छी लगती है इसे मुझे लेनी है और मेरे पास चूंकि सुविधा है, पैसा है तो मैं ले सकता हूँ तो हम ले लेते हैं, ऐसा है ना। उसके साथ लेने के साथ मेरे परिवार में संबंधों का क्या होगा, आसपास जुड़े लोगों से संबंधों में क्या होगा, उसको हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, इन सब चीजों को बारीकी से अपने आप में ऑब्जर्व करना था। तो उसके साथ ही ये जो आखिरी पॉइंट ये भी जुड़ा हुआ है कि हमारा जीना जो है वो किसके अराउंड केंद्रित है, चयन और साधन पर केंद्रित है कि विचार पर केंद्रित है कि इच्छा पर केंद्रित है, बोध या अनुभव पर केंद्रित है, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना था। अब थोड़ा सा ये बात है कि हम लोग हर दिन असाइनमेंट लेते हैं और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं ये तो ऐसा कोई है नहीं कि एक दिन में अकम्प्लिश हो जाए, ये एक दिन में आप बारीकी से ऑब्जर्व कर ले, पर ध्यान कम से कम जाने लगे। तो अगर संबंध व्यवस्था सहस्तित्व के आधार पर नहीं भी है तो कम से कम सहस्कृति को तो देख लें तो उसके आधार पर है कि नहीं, है ना। तो जीना हमारा सहस्कृति के स्तर पर है, यानी जो हमको सहज रूप से स्वीकार है उसको ध्यान में रखकर जीने की योजना कार्यक्रम बना रहे हैं या विचार केंद्रित है, कोई थॉट, कोई इजम है ना, उसको केंद्र में रखकर समाज ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए, हमने बहुत सारे चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए है ना, या यही ठीक है वो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ मानकर हमने बहुत सारा विचार किया है और हम उसको लेकर जीने की योजना बना रहे हैं। अगर देखेंगे तो एक ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री लाइफ की बनती है उसमें आपको पता लगेगा कि हमारा आधार कहाँ रहा, हमने जिस तरह से अपना व्यवसाय चुना, जिस तरह से हमने परिवार बनाया, जिस तरह से परिवार को लेकर आगे की योजना बना रहे हैं, जिस तरह से हम समाज की समीक्षा कर रहे हैं, जिस तरह से समाज में अपनी भूमिका को देख रहे हैं, उसके केंद्र में क्या है, समझ है, सही भाव है या कोई विचार है या मेयरली कोई आस्वादन है, हमें इनसे लेना देना ही नहीं, वहां रह रहे हैं जहाँ अनुकूल संवेदना मिल रही है। तो हम अभी ऐसा लगता है भारत में रह रहे हैं तो यहाँ पे तो देखो इतने अच्छे ना तो होटल है ना रेस्टोरेंट है ना घूमने फिरने की जगह है ना खाने पीने की वस्तु है, तो हम लगता है विदेश चले जाए वहां रहने लगे तो वहाँ ये सब कुछ बहुत प्रिय मिलेगा, यहाँ सब कुछ बहुत ही रुचि मूलक मिलेगा,
ये मोटिवेशन है तो हम आशा के स्तर पर जी रहे हैं, चैन आस्वादन के स्तर पर। हमको लगता है समाज में परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमको पॉलिटिक्स में चेंज करना है, उसके लिए हमको है ना समाज में ऐसे हमें भेद को मिटाना है, और उसके लिए बहुत सारे सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, तो हम विचार के स्तर पर जी रहे हैं। यदि हम सहज स्वीकृति पर ध्यान देते हुए चल रहे हैं तो हम इच्छा के स्तर पर जी रहे हैं। अगर सहज स्वीकृति हमको दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, तो हम कहीं ऊपर के स्तर पर जी रहे हैं। तो ये अपने आप में ऑब्जर्व करने के मुद्दे हैं। इससे हमको अपने पूरे लाइफ का जो एक पाथ है, जो ट्रेजेक्ट्री है, जिस तरह से मूव कर रहे हैं लाइफ में, वो समझ में आएगा। तो कभी इत्मीनान से बैठकर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, पिछले 20 सालों में जो आपका जीना रहा, अगले 20 सालों में जो जीने की योजना है, तो आपको दिखाई देगा कि मेरा जीने का केंद्र कहाँ रहा है। आशा रहा है, विचार रहा है, इच्छा रहा है, या समझ रहा है। जी, ये ठीक है बात। इस पे हम लोग अपने रिफ्लेक्शन दे सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी कहा। भैया, मेरा क्वेश्चन हारमनी से रिलेटेड है। उसमें हमने धर्म की बात की थी ना, कि मतलब मेरा जो धर्म है वो हारमनी में रहना है। तो जी वो हारमनी इंटरनल है एक्सटर्नल है? क्योंकि जैसे हमने कहीं मतलब हिस्ट्री में या परंपरा में ऐसे कई चीजें सुनी है कि धर्म युद्ध, मतलब युद्ध तो हारमनी के अंदर नहीं आता या उससे रिलेटेड नहीं लगता। तो अधर्म और हार्मनी एक साथ हमेशा चल सकते हैं? जी तो देखिए, हार्मनी जो स्वयं में है वही हार्मनी बाहर भी है। तो हम तो अल्टीमेटली हार्मनी चाहते ही हैं। तो अगर हम महाभारत को देखें तो अल्टीमेटली जो युद्ध का निर्णय लिया गया वो इसीलिए लिया गया जिससे हार्मनी बनी रहे, क्योंकि तो जिस तरह से शोषण शासन हो रहा था और जिस तरह से अन्याय की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए किसी समय पर जाकर युद्ध का निर्णय लिया गया। तो उसमें हम और बेहतर ढंग से कैसे समाज को व्यवस्थित किया जा सकता है उस पर विचार कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हमें अभी भी दिखता है कि वो संभावना तो आज भी है, युद्ध हो रहे हैं और हो भी सकते हैं, और भयंकर युद्ध हो सकते हैं। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में क्या योजना कार्यक्रम बनता है, उस पर हम काम अभी से शुरू करेंगे। तो हमको दिखता है कि अगर शिक्षा पे काम किया जाए, है ना, जी मानवीय व्यवस्था पे काम किया जाए, तो इसी संभावनाएं घटती चली जाएंगी। अगर वो काम ना करे तो किसी पॉइंट पे ऐसे निर्णय लेने के लिए हम भी बाध्य हो सकते हैं। तो आज के दिन भी देखिए तो जिस तरह से वातावरण बना हुआ है, देश के भीतर, देश के बाहर, है ना, अंतरराष्ट्र में, तो ये सारी संभावनाएं बनी हुई है। तो हर दिन न्यूज ओपन करिए और यही दिखाई देता है कि कभी बेलारूस कह रहा है कि हम है ना एटमिक हथियार यूज करेंगे, कभी रूस कह रहा है, कभी यूरोप कह रहा है, कभी अमेरिका कह रहा है, तो चल ही रहा है कि नहीं। तो हमें तो अभी से दिखाई देता है कि अल्टीमेटली यदि विश्व में व्यवस्था चाहिए, शांति चाहिए, तो उसके लिए अपने को किस तरह से शिक्षा पे काम होना होगा। और अल्टीमेटली मुद्दा तो स्वयं में ज्ञान और समाधान का ही है, क्योंकि निर्णय तो सेल्फ ही ले रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। तो अगर हमें निरंतर सुख का स्रोत दिखाई दे जाए, समझ में आ जाए, तो उसके लिए काम करेंगे, स्वयं भी करेंगे और दूसरों को प्रेरित भी करेंगे। तो किसी रूप में दिखता है कि जो उस समय का पूरा सिस्टम था वो काम शेष रह गया, इसलिए वैसे निर्णय लेने पड़े। आज के दिन हम देखें तो शिक्षा में जो प्रोविजन है, व्यवस्था में जो प्रोविजन है, उसका सदुपयोग करके हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। तो हार्मनी तो जो स्वयं में वही बाहर भी है, जो हमारे भाव विचार में वही मेरे आचरण में जाएगा, अगले व्यक्ति के जी जो भाव विचार में है वही उसके आचरण में आएगा, वही हमारी फिर परस्परता में दिखाई देगा। कि मेरी भागीदारी तो संबंध के अर्थ में है, हो सकता है अगले की भागीदारी विरोध के अर्थ में है। तो उसमें भी आप देखें तो समझाने का जितना भी प्रयास किया जा सकता था, स्वयं अपमान सहकर, है ना, हर चीज को एक तरह से कहें तो पीछे हटकर जितना भी कुछ किया सकता किया गया, नहीं निकला तो फिर युद्ध का निर्णय लिया गया। तो हमको तो देखना कि अभी हम क्या कर सकते हैं। और ये जो युद्ध है वो तो अभी हर मनुष्य के अंदर किसी ना किसी रूप में चल रहा है, एक्सप्रेशन में भले ही नहीं आ रहा हो। नहीं, हाँ जी, तो हमारी कुछ सहज स्वीकृति बनी हुई है और मतलब कल्पना धर्म शक्ति उनका में बहुत सारी मान्यताएं, बहुत इसमें सारे गलत संस्कार बने हुए हैं, तो उनके बीच में युद्ध तो अभी भी चलता रहता है। जी हाँ जी,
मतलब जैसे हम सुनते हैं रामायण में या महाभारत में, उसमें उन्होंने काफी, जैसे आपने बताया कि पहले बातचीत करके कैसे भी समझाने की कोशिश करी, एंड में जब उनको लगा कि नहीं टल सकते तो उन्होंने उसको युद्ध किया या धर्म युद्ध का नाम दिया। तो सिमिलरली जैसे हम इंडिपेंडेंस वाले में भी देखते हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो शांति से कह रहे थे कि हिंसा नहीं करनी है, पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि हिंसा के बिना ये आजादी मिल नहीं सकती। तो मतलब जिसको, जैसे उनको लगता है कि हार्मनी मेंटेन करने के लिए जो चीज जरूरी है वो कर सकते हैं। देखिए, आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करें ना करें, है ना, आप अपने एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन आपको ठीक लगता है उसका प्रयोग करें, परंतु मुख्य मुद्दा इसमें संबंध के भाव का है कि कभी हमको लगता है कि दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, दूसरा एक सीमा से अधिक गलती कर रहा है तो हाथ पकड़ते हैं, बट संबंध का भाव बना रहता है। संबंध का भाव ना हो, भले हम हाथ नहीं पकड़ रहे हैं बट अंदर अंदर फूट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उससे ना तो मेरा सुख है ना अगले व्यक्ति का सुख। तो आप अगर आप एक्सप्रेशन में देखेंगे तो वेरियस एक्सप्रेशन मिलेंगे, कहीं हमको लगता है कि दूसरा व्यक्ति समझ सकता है तो उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे शुरू हो उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। अगर हमने ये मान लिया कि नहीं समझ सकता है तो फिर हम उसके आधार पर कुछ निर्णय लेते हैं, बट हम ये तो देखते ही अपने आप में कि हमारे अंदर संबंध का भाव है कि विरोध का भाव है। तो संबंध के भाव के साथ ही दो तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। हमको लगता है कि अगर जब तक ये व्यक्ति का शरीर बना हुआ है तब तक ये व्यक्ति ऐसे गलत आचरण करता रहेगा और इस कारण समाज प्रभावित रहेगा, तो हो सकता है युद्ध का निर्णय लेना पड़े। हमको लगता है नहीं, अगर इसके साथ इतना काम इस विधि से किया जाए तो इसके अंदर परिवर्तन हो सकता है, परिमार्जन हो सकता है, तो हम दूसरे प्रकार का निर्णय लेते हैं। तीन निर्णयों में आप पाएंगे कोई सार्वभौमिकता नहीं है, कोई है ना, हर युग काल में एक ही प्रकार से निर्णय लिया जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं है, हर परिस्थिति में एक ही प्रकार से निर्णय लिया जाए ये कोई निश्चित नहीं है, परंतु भाव में निश्चितता है कि हम अगर वो निर्णय भी ले रहे हैं तो हम किसी को दुखी करने के लिए नहीं ले रहे हैं, दूसरे को उसकी गलत मान्यताओं, गलत संस्कारों से निकालने के लिए ले रहे हैं। तो हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहे हैं, व्यवस्था का भाव बना रहे हैं, अस्तित्व का बना भाव बना रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा है। उसके साथ जो भी निर्णय समय अनुसार लेना होगा उसको लेंगे। तो चाहे हम महाभारत और रामायण की बात करें या फिर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके लिए अगर हम बात करें, तो उसमें भी आप देखते हैं कि समझ का भाव तो दोनों तरफ रहा है ना, बट जिन लोगों में समझ अधिक थी वो ऐसी योजना कार्यक्रम बना पाए जो समाज के लिए मानव लक्ष्य के अर्थ में होगा, जिनके पास समझ का भाव तो वैसी योजना नहीं बना पाए। जी, बढ़िया मेरे दीदी, को भी वैसे ऐसे ही आ रहे थे थॉट्स। थैंक यू भैया, बढ़िया वेरिफिकेशन। दीदी। भैया, आपने जो अभी प्रश्न पूछा उस बारे में मेरा अपना रिफ्लेक्शन ये है कि मैं अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को देखता हूँ और अभी तक की जो जितनी समझ विकसित हुई है, जो कोहेरेंस तीनों में, मींस डिजायर्स, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हार्मोनियस कोहेरेंस, वो मैं एस्टेब्लिश स्वयं में करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें वर्टिकल्स और उसको भी मैं हार्मनी अपने वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल को, मींस अपना सेल्फ का B1 ब्लॉक के अल्टीमेट में पहुंचने का, और उसका सोसाइटल एस्पेक्ट है जो रिलेशनशिप का जो मेरा डायमेंशन है, उसमें कैसे कंसिस्टेंटली दोनों के ऊपर काम हो सके, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ सतत उसको फाइन ट्यून करने का भैया। तो मेरा यही सम्मिशन है, इस बारे में आपका आगे कुछ मार्गदर्शन हो। ये तो प्रक्रिया चली रही है हमारी मॉर्निंग सेशंस की, कुछ और आप इस बारे में फाइन ट्यून करने में जो एक्सेलरेट कर सके। जी भैया, जी जी, जी भैया, करने का काम इतना ही है कि हम स्वयं में ज्ञान के लिए अधिक से अधिक समय लगाएं, सजगता बढ़ाएं अपने आप में और भागीदारी को भी बढ़ाएं। जी अपने को भी कई बार ऐसा लगता है कि समय नहीं है भागीदारी के लिए, परंतु जब हम ठीक से अपने ऊपर काम करते हैं तो भागीदारी के लिए अवसर समय निकलता जाता है। जिस वर्क जी प्लेस पे है वहां भी हम भागीदारी कर रहे होते हैं, और जो भी हमारे पास समय से शेष बचता है उसमें भी हम भागीदारी कर रहे होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग अभी भागीदारी में नहीं उतनी गति कर पा रहे हैं, उनको भागीदारी पे ध्यान देने की जरूरत है, और जो लोग भागीदारी तो फैल के कर रहे हैं परंतु सजगता की कमी है, सजगता को बढ़ाएं। दोनों छोर पे काम करना है,
स्वयं में व्यवस्था के लिए भी काम करना है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को भी बढ़ाना है। यही दो काम है करने के लिए, कि स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। जी भैया, यहाँ पर एक दुनिया के चिंतन बोध अनुभव के लिए हम काम करें। जी भागीदारी में है कि सार्वभौम व्यवस्था तक फैल के हम कम से कम विचार करें, उसमें हम योजना कार्यक्रम बनाए, क्रियान्वयन करें उसका। जी जी भैया, एक इसमें एक शेयरिंग मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, जो पर्सनल शेयरिंग है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक्सप्रेस किया था सभी के लिए। मैं कि मुझे जब कॉलिंग का असाइनमेंट ट्यूसडे की मीटिंग में दिया, तो मुझे लगा कि कॉलिंग ये क्या काम हुआ करने का, ये तो बहुत मैकेनिकल सा वर्क होगा। लेकिन जब मैंने कॉलिंग किया, अब मुझे इतना अपने आप में सेंस ऑफ रिलेटेडनेस और हारमोनियस और सेल्फ की लर्निंग, बोथ डायमेंशन इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही बहुत अच्छा लगा। और ये सोचा कि ये करने के बाद ही मुझे पार्टिसिपेशन का जो आप समय समय पर और अभी जैसे महत्व कहा, तो मुझे समझ में आया और उससे मुझे सिग्निफिकेंट शिफ्ट मुझे लगा अपने अंदर। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी बढ़िया बढ़िया भैया। इनफैक्ट थोड़ा सा हम लोग भागीदारी को पहले रोक के रखते हैं, जब भागीदारी करते हैं तो स्वयं पे जो ध्यान जाता है उसमें जो सुख मिलता है, जी तो दोनों हमको मोटिवेट करते हैं। जी जी बहुत बढ़िया भैया। भैया अभी जो दीदी के साथ चर्चा हो रही थी और भैया से बात हुई, तो USP3 में अभी मोटा मोटा दिमाग में ऐसा बन रहा था मेरे कि एक तो अपने अंदर काम करना है और दूसरी भागीदारी वाली बात है, व्यवस्था में भागीदारी। लेकिन अब एक तीसरा डायमेंशन भी आज की चर्चा से ऐसा जुड़ता हुआ दिख रहा है कि क्योंकि युद्ध भी हो सकता है तो हमें युद्ध की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं नहीं करूँगा तो सामने वाला करेगा, फिर से वही एक वो विशेष साइकिल स्टार्ट होगा अविश्वास का। तो इस पे क्लैरिटी चाहिए भैया, क्योंकि अगर हमें युद्ध की संभावना है तो युद्ध की तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए अभी इसमें देखने की बात यह है कि युद्ध की तैयारी करने के लिए लोगों की संख्या काफी है, अभी मानव लक्ष्य के अर्थ में योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए संख्या कम है, तब इस पे काम करते हैं, है ना। जब ऐसा कुछ अपरिहार्य जैसी स्थिति होगी तो सोचेंगे उसके बारे में। उसमें भी क्या है कि अगर हम सिर्फ अपने देश में काम करें, विदेश के लोगों के लिए हम समझ और भाव को सुनिश्चित करने काम ना करें, तो फिर भेद उत्पन्न होगा। तो हम तो अखंड समाज की बात कर रहे हैं, है ना। ये काम शेष रह जाता है, ये काम अगर शेष रह जाए तो फिर वो सब परिस्थितियां बनती है। ये परिवार में भी, अगर परिवार में हम परिवार सभा ना करें, आपस में हम समझ और भाव को केंद्र में रखकर चर्चा ना करें, तो परिवार में भी तलवारें खिंच सकती हैं। तो वो काम समय रहते हम करें, तो ये तो बिल्कुल एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है जिसके लिए हमको कभी लगता है कि करना पड़ेगा कुछ। बट होता क्या है कि अभी हम जो कई बार जीने का या विचार का जो पूरा क्रम बना लेते हैं, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन को लेकर बनाते हैं और जो रोज का काम है वो छोड़ देते हैं। अपने प्रति सजग होना, अपने भाव में परिमार्जन करना, ये हर क्षण का काम है, वो ना करें फिर विरोध बढ़ता जाता है हमारे अंदर, फिर हम दूसरे के अंदर बढ़ाते हैं। तो अगर आप उसमें भी देखें, जो भी युद्ध हुए उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष की गलती थी, दोनों पक्ष की गलती रही है कहीं ना कहीं, है ना, किसी ना किसी रूप में। तो हम पहले अपने वाले पक्ष पे ठीक से काम करें। जी भैया, एक्चुअली मैं अपने क्लिक से जब ये डिस्कस करता हूँ तो 2-4 लोग इसको ऐसे रखते हैं कि आप इस तरह से करके तो हमारा देश जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो जब आप को रिसर्च करनी चाहिए डिफेंस पे, तो आप ह्यूमन वैल्यू पे आप अपना कंसंट्रेट कर रहे हो, तो हमें खत्म कर दिया जाएगा, हमारी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी। तो इसका उत्तर नहीं था मेरे पास। मोटा मोटा आपके उससे बन रहा है कि वो मतलब रेयर है ऐसा हो। देखिए उसमें भी आप देखें, उसमें भी आप देखें तो कई बार दिखता है कि फिर हम दूसरे के प्रति विरोध का भाव रखते हैं और उस विरोध के भाव को बढ़ाते हैं। अगर आप पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को भी देखें तो कैसे हमारे समाज में सामुदायिक भेद शुरू हुआ, इतिहास को देखें तो भी, आज भी देखें तो भी, आपको दिखाई देगा कि ऐसा नहीं कि एक के अंदर पूरी तरह संबंध का भाव है, दूसरे के अंदर पूरी तरह से विरोध का भाव है, ऐसा नहीं है। विरोध का भाव दोनों तरफ से बन जाता है, फिर उसके साथ वो संभावनाएं बनने लगती हैं। तो हम अपने अंदर संबंध के भाव के साथ काम करें और फिर हम सिर्फ अपने ही साथ जुड़े हुए जो हमारे शरीर के समान है या हमारे से ना मान्यताएं मिलती हैं उनके लिए क्यों थोड़ी काम करेंगे, हम तो पूरे समाज के लिए काम करेंगे। उसमें दूसरे समुदाय भी होंगे, दूसरी मान्यताओं के लोग भी होंगे, दूसरी प्रकार की सुविधाएं प्रयोग करने वाले, दूसरी प्रकार के शरीर के लोग भी होंगे, सबके लिए काम करेंगे। बहुत बढ़िया, और ये ज्यादा सुखद भी लगता है ना, ये मतलब ठीक लगता है। थैंक यू। देखिए ये काम ना करें ना
अब हम जैसे भारत के लोग के लिए काम करें सही समझ सही भाव के लिए और पाकिस्तान के लिए काम ना करें तो युद्ध की स्थिति बनेगी, दोनों तरफ काम करेंगे तो क्यों बनेगी? ठीक बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक वर्ग के लिए काम करें दूसरे वर्ग के लिए ना काम करें, शहर के लिए काम करें गाँव के लिए ना करें, एक समुदाय के लिए करें दूसरे समुदाय के लिए ना करें, तो ऐसी स्थिति भारत के अंदर भी बनेगी, परिवार में भी बनेगी। जब अपने बच्चों के लिए करें अपने भाई के बच्चों के लिए ना काम करें वो, तो भाई भाई की लड़ाई होगा, बिल्कुल दोनों के बच्चे की लड़ाई होगा। तो अखंडता की बात हो रही है, इनफैक्ट जितना जितना हम चिंतन के लिए काम करते हैं ना, वह अखंडता हमको और ठीक से स्पष्ट होती है कि हर मानव की स्थिति वही है, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, समझ के अभाव में स्वयं रह पाता ना दूसरे को कर पाता है, यही यूनिवर्सल फिनोमिनन है, ये हमको दिखाई देता है, तो फिर हमारे अंदर अखंडता का भाव बनता ही है। बिल्कुल भैया, और तर्क रूप में भी सब कुछ अखंडता ही दिखती है, कोई ऐसा डिविजन दिखते नहीं है, वो टिकता नहीं है, कोई भी आप जाति धर्म या देश भी बांटो तो वो तर्क पे टिकता नहीं है, वो टूट ही जाता है ना। भैया हमने आपसे बोला था विचारों के ऊपर एक बार बात करिएगा, समझाना थोड़ा सा। क्या विचार जो हमारे आपस में बार बार आते जाते रहते हैं, जो हम उसमें खो जाते हैं और ध्यान नहीं रखते किसी भी चीज का और अपने विचारों में खोए रहते हैं, वो विचार हमें परेशान कर रहे होते हैं जी, क्योंकि विचार के आधार में जो भाव है वो हम नहीं देख पाते हैं और भाव के आधार में जो संस्कार है उसको और नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारे भाव में परिमार्जन नहीं हो पाता। तो जो अभ्यास एक में कह रहे हैं, स्टेप वन पे ही कह रहे हैं, अपने भाव में सजग होना है, अगर भाव के प्रति नहीं हो पा रहे सजग तो विचार को भी सजग होना है और उसके साथ अपने भाव को देखना है ना। परंतु भाव भी सजग ना रहे तो विचारों में तो अंतर द्वंद अंतर विरोध उलझन चलता ही रहेगा। वो जो बात हो रही थी ना कि अभी प्रिय हित और लाभ की दृष्टि में फंसे रहते हैं, तो चाहे जितना भी विचार करे अगर दृष्टि वही है प्रिय हित या लाभ की, तो उसमें तृप्ति मिलेगी नहीं और उलझन परेशानी बढ़ती रहेगी। तो भाव के प्रति जब सजग होते हैं तो सहज स्वीकृत भाव भी हमको दिखाई देते हैं, फिर उसके साथ ये न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हमारी जागृत होती है, उसके साथ फिर विचारों में शांति मिलती है, उससे पहले विचारों में उथल पुथल अशांति व्याकुलता रहती है। तो भाव के प्रति सजग होने का काम करें, फिर उसमें भाव में परिमार्जन के लिए काम करें। अब जैसे भैया अधिकतर मेरा क्या होता है, मैं अपने विचारों में ही चित्रण कर लेती हूँ और उस चित्रण के अकॉर्डिंग अगर मेरा काम नहीं चल रहा होता मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, उस परेशानी में मैं अपनी चुप्पी हो जाती है। वही तो हम लोगों ने जो संस्कारों की बात की थी ना, तो उसमें एक मेजर संस्कार जो हम सबका होता है ये होता है कि ये ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा फल परिणाम आना ही चाहिए। तो आप अपने अंदर जो भी चित्रण कर रही है उसमें आपने बहुत सारे चीजों को प्रिस्क्राइब कर दिया दूसरे के लिए, ठीक ना, नेचर के लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर मैंने इतना मन लगा के खेती किया है तो फसल अच्छी होनी चाहिए, भैया बारिश हो गई मई महीने में क्या करिएगा कि नहीं। तो ये जो चाहिए वाला संस्कार है हमारा, प्रकृति ऐसे होनी चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, परिवार ऐसा होना चाहिए, और इसके साथ जो हम चित्रण करते हैं जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गहरा संस्कार है, तो फिर हम परेशान होते हैं। मेरी भागीदारी मेरी जिम्मेदारी है, बाकी जो फल परिणाम आते हैं उसमें तो कई अन्य लोग शामिल हैं, प्रकृति शामिल है, उन सब पे योग संयोग से आएगा, एक प्रकार से भी आ सकता है दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। तो फिर हम विचारों में अशांति हमको नहीं दिखाई देती, फिर हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य विधि कार्यक्रम दिखाई देता है, उसका हमको सुख मिलता रहता है। तो चिंतन बोध अनुभव के साथ ये होता है कि मुझे अपनी भागीदारी स्पष्ट है, मुझे व्यवस्था स्पष्ट है, अस्तित्व स्पष्ट है, और उसके साथ मैं अपने आप में हर क्षण सुखी हूँ, उस सुख के साथ मैं योजना बनाता हूँ और हर क्षण इस बात के लिए तैयार रहता हूँ जो फल परिणाम आएगा ठीक उसमें तो सारी इकाइयों की भागीदारी है, मेरी जिम्मेदारी मेरी भागीदारी करती है, उसको मैं ठीक रखता हूँ, ठीक करता हूँ सहज रूप से, और जो फल परिणाम आते उसमें मूल्यांकन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं योजना कार्यक्रम बनाता हूँ। तो अगर पता चल गया कि मई महीने में बारिश हो सकती है तो फसल को खेत में छोड़ेंगे नहीं, तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि जल्द से जल्द उठ के कैसे ना गोदाम में चलाए घर में चलाए, तो हम इसके लिए फिर योजना बनाते हैं। आंधी तूफान भी आ सकता है उसको ध्यान में रख के योजना बनाते हैं, जब अपने को पता रहता है कि सब संभावनाएं हैं। तो अभी
जो हम विचारों में ज्यादातर समय परेशान होते हैं, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं। नेचर ऐसा होना चाहिए, मई में बारिश नहीं होनी चाहिए, मई में आंधी नहीं आना चाहिए, अगर हमने ऐसा खेत में रख दिया अनाज तो किसी को उठा के नहीं ले जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अगला व्यक्ति दरिद्र है तो उठा ही सकता है अनाज हमारे खेत से, तो हम ये सब चीजों को पहले से ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमारे अंदर फिर अशांति नहीं होती विचारों में। ये थोड़ा सा और खुल के बताइए। यही कि एक तो भाव के प्रति सजग होना, जो भी आपके अंदर भाव है उसके पीछे जो संस्कार है, मान्यताएं हैं, उसके प्रति सजग होना। जैसे अभ्यास एक को अगर ध्यान में लाए तो हम लोगों ने पहले स्टेप में अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, फिर दूसरे स्टेप में जांचा कि सहज स्वीकृति है कि नहीं उसके लिए, फिर उसके साथ अपनी पूरी स्थिति को देखा कि सुखद है कि दुखद है, फिर इस बात को देखा कि निर्णय तो मेरा ही है, जो भी मेरे अंदर भाव है तो अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, है ना। फिर स्टेप 5 में जाकर हमने उस भाव के आधार को देखा कि मान्यता है या समझ है, तो कई बार पता चला कि मान्यता है, इसका मतलब समझना जरूरी है, इस निष्कर्ष पे पहुंचे। स्टेप 6 में पूछा अपने आप से कि क्या स्वीकार है सहज रूप से, संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व या अन्यथा, देखता यही स्वीकार होता है, इस निर्णय पहुंचे कि ठीक है भाई, फिर इसका चिंतन, बोध, अनुभव के लिए काम करना है, फिर इसको अपने आप में सुनिश्चित करना शुरू किया। ये क्रम है देखने का। तो अभी विचार में हम उलझ जाते हैं कि पहला स्टेप ही पूरा नहीं हुआ, भाव तक नहीं पहुंच पाए। जब भाव तक ही नहीं पहुंचे तो गहरे संस्कार कहां से दिखाई देंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो वो काम अपने को करना है। तो विचार में जो करने काम, अगर हम विचार से आगे नहीं जा पा रहे तो आप पूछें जो विचार चल रहा है उसके पीछे मेरा पर्पज क्या है, उसको पर्पज को देखें। पर्पज दिखाई देता है तो भाव स्पष्ट होते हैं। जैसे मुझे बच्चे के लिए है ना भोजन बनाना है, सुबह नाश्ता तैयार करना है, तो विचार करते हैं क्या आज बनाए, क्या कल बनाया था, है ना, बहुत सारा विचार करते हैं कैसे बनाए, क्या खरीद के लाए। अब इसके पीछे भाव क्या है तो पर्पज को देखते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बच्चे के प्रति संबंध का भाव है, स्नेह का भाव है, उसका पोषण करने का भाव है। तो अगर जब भी विचार दिखाई दे और भाव ना दिखाई दे तो पर्पज को लोकेट करें, उसके मतलब जो पर्पज लक्ष्य है, जो कारण है उसको देखें, तो उससे भाव हमको पता लगने लगता है। बैठे बैठे किसी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, है ना, और उसने कुछ हमारे साथ गलत किया या अनिष्ट हुआ हमारे साथ कुछ, और हमको दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार लग रहा है। अब हम बैठ के विचार कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में ढेर सारा, जिसने किया उससे बहुत ज्यादा हमने फैला दिया विचार में, उसने हो सकता है एक झूठ हमारे बारे में बोला होगा, हमने 100 झूठ मान लिया कि ये भी बोल सकता था, वो भी बोल सकता था, ऐसे भी कर सकता था, वैसे भी कर सकता था, ढेर सारा विचार कर रहे। अब पूछे अपने आप से पर्पज क्या है, तो भाव क्या है, तो हो सकता है कि हमारे अंदर उसको दुखी करने की इच्छा हो रही है, उसने मेरे साथ किया मैं भी करूंगा, उसने एक झूठ बोला मैं 100 झूठ बोलूंगा, है ना, उसमें उसने एक बार मेरे साथ धोखा किया मैं 100 बार करूंगा। तो जो भाव है हमारे अंदर विरोध का भाव है, उसको दुखी करने का भाव है, तो भाव का पता लगता है कि देखो उसको दुखी करने का भाव है। फिर हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि भाई मैं उसको दुखी करना चाहता हूँ बेसिकली कि सुखी करना चाहता हूँ। अब इसको जैसे ही पूछेंगे ना तो आपके अंदर फिर विचारों क्रम टूटता है। जैसे ही अपने आप में ध्यान में आए कि अगर मैं इसे पूछूं तो आपके विचारों क्रम टूटता है। अब भले आपको स्पष्ट रूप से न दिखाई दे रहा हो कि आप उसको सुखी करना चाहते हैं, है ना, बट ये तो आपको दिखता है कि आप सुखी होना चाहते हैं, और फिर आपने ऐसे भी कहा मैं किसी को दुखी क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि उसने दुखी किया इसलिए मैं सोच रहा था, ये सब चाहना क्या है। और थोड़ा पूछिए अपने आप से पता कर सुखी करना चाहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम विश्लेषण को और फैला दें, इंटेलिजेंस थोड़ा सा यहाँ पे यूज करें अपना, तो पता लगता है जब मैं सुखी करना चाहता हूँ तो वो भी सुखी करना चाहता होगा। अब जैसे मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था दुखी करने का, अगर उसके ध्यान में ये बातें ना आए कि मैं उसे सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, तो दुखी करने का विचार करेगा ही, तो यहाँ से आगे का रास्ता खुल गया। ये ना करें तो फिर हम वहां उलझे रहते हैं। ठीक है रेणुका जी। हाँ जी, बस भैया विचारों में अगर हम संबंध को भी देख रहे हैं, सुखी करना भी देख रहे हैं, और सामने वाले को हम रियलाइज नहीं करवा पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, फिर हम दुखी हो रहे हैं। देखिए दुखी हम होते हैं अपने भाव से ही, हम बोलने या नहीं बोलने से दुखी नहीं होते। जो घटना हो रही है वो हमको समझ में नहीं आ रही, तो अगला व्यक्ति मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्यों नहीं चल रहा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा, तो हमने मान लिया कि भाई
अगले व्यक्ति से हमने दो शब्द कह दिए, अब इसके अंदर परिमार्जन हो जाना चाहिए, उसके आगे डायलॉग की संभावना नहीं है, तो हम बैठे बैठे अपने आप में खुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि नहीं। तो ये भी हमने कुछ मान लिया है कि मेरे इतना करने से इतना फल परिणाम आना चाहिए, नहीं आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति को हम अपने स्वयं से नहीं कह पा रहे, तो हम देखते हैं कि फिर उसके साथ हम कैसे योजना बनाए। ये विज्ञान का भाग है, एक बार हमको भाव स्पष्ट हो गया है ना, फिर हम विचार में उसको योजना बनाते हैं कि अगले व्यक्ति को कैसे स्पष्ट हो। मेरे कहने से नहीं सुन रहा, किसी और कहने से सुनेगा, है ना, आज नहीं सुन रहा कल सुनेगा, किस विधि से नहीं सुन रहा किसी और विधि से सुनेगा। मुद्दा ये है कि हम उसको सुखी करना चाहते हैं। अगर ये भाव बना रहे अपने आप में, योजनाएं बन ही जाती है, कोई मेजर इशू नहीं है। बट ये भाव जो हमारा उथल पुथल होता है ना, टूटता और जुड़ता रहता है, कभी कभी दुखी करने का भाव, कभी सुखी करने का भाव, कभी है ना विथड्रॉ करने का भाव, कभी उसके साथ इंगेज करने का भाव, फिर हम परेशान होते हैं। हाँ, समझ गई भैया काफी हद तक। एक चीज रहा मेरा आपकी क्लास से, जैसे हम लोग नागकानपुर में भी आए थे, तो वहां पे पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे को क्या चीज कहना है, और मैं चुप हो जाती थी, किसी से मैं कुछ नहीं कहती थी अगर किसी की मेरे को कोई बात हुई। पर आज मैं उन लोगों को आंसर दे पाती हूँ, और देने के बाद मैं शांत रहती हूँ। वैसे नहीं लड़ाई झगड़े का नहीं, वैसे नहीं, जैसे उन्होंने कुछ बोला है तो आंसर दे पाती हूँ, तो सामने वाला मुझे और कुछ कह नहीं पाता। पर हाँ, वो मुझे उस आंसर भी वही चीज होती है कि मैंने अपने संबंधों के साथ में रख के बोल पाती हूँ। जी, अच्छी बात है। उसके साथ और देखें, उसके साथ और देखें कि आप कैसे दूसरे व्यक्ति के अंदर समझ सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमारे अंदर भाव विचार बन पा रहा है के लिए कि अगले व्यक्ति के अंदर समझ सुनिश्चित करना है, इस पे थोड़ा सा और काम करना है मुझे। जी जी, अदरवाइज हमारी भागीदारी अधूरी है ना। जब तक हम अपनी भागीदारी को दूसरे में समझ को सुनिश्चित करने तक नहीं देख पाते, हमारी भागीदारी संबंध में अधूरी ही रहती है। तो जो पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है, उस पर हम लेक्चर 15 पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, आप सबके ध्यान में होगा। चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्या क्या लगता है हमारे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तब तक मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। भैया, ये जो मेरा प्रश्न था, जैसे कि हम जो प्रपोजल कहते हैं कि द रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देयर बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ, तो मुझे समझ में तो आता है कि हमारा प्रोग्राम सेम है, पोटेंशियल सेम है, पर्पज सेम है, लेकिन भैया ये मतलब मेरे से जुड़ता नहीं है ये बात। कैसे जुड़ता नहीं है? Relationship is already there. इस मैं इस बात को महसूस नहीं कर पाता हूँ कि the relationship is already there. मतलब ये statement क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ ही। तो अगले व्यक्ति से मैं चाहे दुखी हो रहा हूँ उसके व्यवहार से, चाहे सुखी हो रहा हूँ, जुड़ा हुआ तो हूँ ही मैं। अगले व्यक्ति को चाहे मैं इग्नोर करूँ या ध्यान दूँ, जुड़ा हुआ तो हूँ ही मैं। तो रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देयर। मैं उसको देख पाऊँ ना देख पाऊँ, ये तो भिन्नता हो सकती है, परंतु संबंध तो है ही, है ना, जुड़े हुए तो है ही। और बारीकी से देखें तो शून्य के माध्यम से हर दूसरी इकाई मुझसे जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये प्रपोजल के रूप में तो है मेरे अंदर सारी बातें, लेकिन अब इसका मुझे इतना वो नहीं, सब पकड़ में नहीं आ पाती है ये बात हमेशा, इसलिए। हाँ, उसको अगर ऐसे देखें थोड़ा कॉमन टर्म्स में, तो भाई हम हर दूसरे व्यक्ति के लिए किसी ना किसी रूप में फील कर ही पाते हैं। अगर हम सड़क से भी जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमको गिरा पड़ा दिख जाए एक्सीडेंट करके, तो हमको लगता है कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना था, इसको बचा के ले जाया जाए, इसका कुछ इलाज कराया जाए। अगर हम जल्दी में है, मान लीजिए छोड़ के चले जा रहे हैं, तो भी हम उसके साथ संबंध था तभी तो हमने उस पर ध्यान दिया। परिवार में देखें तो भी ऐसा है ना, कैंपस में देखिए जितने भी तरह के बच्चे हैं, सब अलग अलग तरह से वस्त्र पहने हुए व्यवहार कर रहे हैं, सबका अपना अपना रूप रंग दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम उसको देखते हैं हमारा ध्यान जाता है,
उस व्यक्ति को संबंध है तभी तो ध्यान जाता है। जी भैया तो संबंध तो है ही है ना। अब मुझे किस पर कब कितना किस प्रकार ध्यान देना है इसमें भिन्नता हो सकती है। तो मैं हर रागीर को रोक रोक के नहीं कहूंगा कि भाई आप समझो, बट परिवार के साथ जहां मैं रह रहा हूं उनको मैं कहता ही हूं कि भाई आप भी समझिए। समाज के लोगों के लिए योजना एक प्रकार से बनाते हैं, परिवार के लिए अलग प्रकार से बनाते हैं, अपने लिए अलग प्रकार से बनाते हैं। समाज के लोगों के लिए हम है ना एक शिक्षा संस्कार के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए हम परिवार सभा रखते हैं, साथ में बैठे चर्चा संवाद करते हैं, और अपने लिए हम हर क्षण कार्यक्रम बनाते हैं। परिवार के लिए हम ये नहीं कहते कि भाई जो मैं कह रहा हूँ सबको सुनना है, हर क्षण सुनना है, हर क्षण यही करना है, वो गलत हो जाता है। पर अपने लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे हर क्षण ऐसे ही जीना है। तो योजना कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, बट संबंध तो सबके साथ बना ही रहता है। जब अखंड समाज की बात कर रहे हैं, स्वीकृति तो हमारी है ही, सह स्वीकृति अखंड समाज के लिए, तो हम सबसे जुड़े हुए हैं तभी तो अखंडता का हम विचार भी कर पाते हैं। मुझे अपकोर्स ये जैसे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस है, म्यूचुअल फुलफिलनेस है, ये सब तो भावना हमेशा बनी रहती है और आती भी है कि हाँ मतलब दूसरे से संबंध सही से रहेगा तो फिर म्यूचुअल फुलफिलनेस रहेगा। अब ये लोग ये लेकिन जो ये वाला प्रपोजल था मेरे माइंड में चल रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रेज कर दिया। अब युद्ध का जानकारी मिलता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो हम कंसर्न्ड हो जाते हैं क्या चल रहा है, क्यों कंसर्न्ड हो गए, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। तो अभी आप रेणुका दीदी को समझा रहे थे तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ये कहूं और मुझे जरा बताइए मेरी समझ सही है क्या। हर इकाई के साथ मेरा संबंध है और हर इकाई के साथ अगर मैं निस्वार्थ जीने का प्रयत्न करता, निस्वार्थ व्यवहार करते हुए हर इकाई को विकास के, हर इकाई के विकास के लिए अगर मैं कार्यक्रम बनाता हूँ जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, मेरे विकास के लिए कार्यक्रम बना रहा हूँ और हर इकाई के प्रति निस्वार्थ व्यवहार के साथ उनके विकास के लिए भी कार्यक्रम बनाता हूँ, तो उसमें ही सच्चा सुख निहित है। क्या ये समझ सही है भैया? तो फिर निस्वार्थ को हटा दे, निस्वार्थ कहने से फिर लगता है कि हम कहीं गिल्ट फीलिंग है हमारे अंदर। तो जो मेरा विकास है वही दूसरे का विकास है, हमको जब दिखाई देता है तो दिखता है कि जो स्वार्थ है वही परार्थ है, वही परमार्थ है, इन तीनों में मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं है। मेरा सुख भी व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना है। अगले व्यक्ति का सुख जो सामने वाला है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना है। और धरती के हर मनुष्य का सुख भी यही है। तो अगर हम मौलिक रूप से देखें तो स्वार्थ परार्थ परमार्थ सब एक ही है। बट जब हम ये जो अभी बात होगी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस की, तो जब हम सुविधा से मिलने वाली संवेदना सुखी होने जाते हैं, दूसरे से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने जाते हैं, तो हमको लगता है कि मेरा सुख कुछ और है, अगले का सुख कुछ और है। क्योंकि अगर हमने इस संवेदना के लिए सुख के लिए कार्यक्रम बनाया तो अगर मुझे ही मिलेगा तो अगले को नहीं मिलेगा, तो फिर हम कहते हैं तो मेरा स्वार्थ हो गया। परार्थ कहते हैं कि भाई दूसरे की संवेदना की व्यवस्था कर दो। परमार्थ कहते हैं भाई सबके सुख संवेदना की व्यवस्था कर दो। तो फिर वहां पे भेद दिखाई देता है। परंतु जब इनको चिंतन बोध अनुभव में सुख दिखाई देता है तो उसमें क्या है ना स्वार्थ, क्या परार्थ, क्या परमार्थ, सब एक ही है। निस्वार्थ कहने का मेरा सिर्फ इतना अर्थ था कि आपने कहा ना कि हम बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन करने लगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशन में कहीं ना कहीं सिर्फ मैं अपने लिए ही ढूंढता हूँ कि मैं ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसके बजाय हर इकाई जैसा है वैसा देखते हुए उसका वैसा विकास सुनिश्चित करना, मेरा विकास के साथ सुनिश्चित करते रहना वो सही रहेगा। तो इसलिए मैं स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल किया मैं। जी वो ठीक है ना भैया? जी तो मेरे स्वयं के विकास के अर्थ में और दूसरे मनुष्य के विकास के अर्थ में जो भी मेरा योजना कार का भागीदारी है वही मेरा आगे का भी है ना, ठीक मेरा प्रोग्राम। जी ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया भैया। मैं बस यही ऑब्जर्व कर रही हूँ, कल एक तो आपने एक उदाहरण जो दिया था रुचि मूलक और भाव मूलक, तो उसमें अपने आप में ये देख पाई, अभी तक मेरा ध्यान इस चीज पर नहीं जा रहा था, देख पा रही हूँ कि जहाँ तक बिल्कुल खुद का जो सिलेक्शन है तो जो चॉइसेस है तो वो रुचि मूलक से शिफ्ट हो मतलब होता हुआ दिख रहा है कि वो चयन आस्वादन के लेवल से आगे, मतलब आगे तो नहीं कहूंगी लेकिन वो कहीं ना कहीं भाव मूलक, और जब
सिर्फ और सिर्फ मेरी बात है तो वो लक्ष्मूलक भी कहीं कहीं दिखाई देता है, क्योंकि मैंने वो खुद के लिए अक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज वाला जो मामला है वो काफी पीछे छूटता हुआ दिखता है। लेकिन भैया उसमें एक चीज है कि परिवार के साथ जब हम निर्वाह कर रहे हैं और जहाँ फिजिकल फैसिलिटीज के अक्यूमुलेशन की या उसके यूटिलाइजेशन की बात आती है, तो वहां पर क्योंकि परिवार का बहुत सारा ध्यान अक्यूमुलेशन पे या जब कोई किसी खास मौके पर कुछ सेलिब्रेट करने की बात है, जैसे एक उदाहरण आया था कल के डिस्कशन में कि एक एक किलोमीटर 5-5 किलोमीटर कोई बात कोई आस्वादन लेने के लिए कुछ चीज खाने के लिए चले जा रहे हैं, तो मेरा खुद का तो वो स्वीकृति या वो नहीं बनी हुई है, लेकिन जो कि भाव देख पा रहे हैं, संबंध का भाव देख पा रहे हैं परिवार के लिए और उनको उसमें खुशी मिल रही है तो कई बार उसमें शामिल भी होना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि संबंध का भाव बना रहता है कि हम हमारे मन में उनके लिए संबंध का भाव नहीं खराब हो रहा है और उसमें हम शामिल भी हो रहे हैं। कभी कभी लगता भी है कि ये ठीक करना जरूरी है, और लेकिन देन एंड देयर करने की बजाय कभी मौका देखकर उसको ठीक से बात करने की या एक अलग तरह से रेफरेंस लेकर बात करने की कोशिश भी करते हैं कि ये ऐसा भी हो जा रहा है, लेकिन तो वो एक प्रक्रिया बनी हुई है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा था भैया, मतलब हो रहा था लेकिन उसको बहुत सजग रूप से देखा नहीं था। तो एक तो कल के डिस्कशन से एक बात ये अंदर लगी कि चलो कुछ 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 तो काम हुआ है कि विरोध का भाव नहीं आ रहा है और वो सब चीजें चल रही हैं उसमें और भी काम होना है। दूसरी बात भी अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसमें ये दिखाई देता है कि जैसे सार्वभौमिक एक हम बात करते हैं कि वर्ल्ड फैमिली या इस तरीके की जो हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ खंड होते दिखाई दे रहे हैं समाज में और उसके लिए बहुत अच्छे से प्रायोजित और बहुत परिश्रम के साथ लोग काम कर रहे हैं, तो जितना हम अपने हमारे अंदर की तो वो जो भावना है जो फीलिंग है जो विचार है वो तो अनअफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमको तो अगर हमारे देश के लोग परेशान हो रहे हैं तो भी कष्ट हो रहा है, उन पर ध्यान जा रहा है और जहाँ भागीदारी कर सकते हैं वहां करने का मन बनता है। उसी तरह से बाहर चाहे वो कोई भी देश हो जिसके साथ ठीक संबंध रहे हों देश के या नहीं रहे हों, वहां भी अगर लोग भूख से मरने की स्थिति में आते हैं तो भी कष्ट होता ही है। तो उसमें ये जो प्रैक्टिस है हमारे आसपास के लोगों की भी बहुत और परिवार में भी कुछ लोगों की, ठीक है अगर वो चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है तो ठीक ही हो रही है, वो लोग तो यही डिजर्व करते हैं, तो ये बात कहीं भी स्वीकार होती दिखती नहीं है। और वो संबंध का भाव वो सार्वभौमिक रूप में दिखाई देता है खुद में, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये है कि जो देश के अंदर या हमारे आसपास समाज में जो खंड खंड करके देखने की जो वो बनती जा रही है, मैं वो उस चीज में मैं अपने अंदर की हारमनी कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं संभाल के रख पा रही हूँ कि ये कौन सा तरीका है इंसान को देखने का या ये क्यों इतना प्रायोजित तरीके से चलाया जा रहा है, कैसे एक तरफ हम इतने अथक परिश्रम से कई लोग इतनी समय से लगे हुए हैं कि वो मूल्यों को स्थापित कर सके और एक तरफ उतनी ही परिश्रम से लोग लगे हुए हैं कि वो, तो ये बात ना चाहते हुए भी पीड़ा दे जाती है भैया, क्योंकि उतने लेवल पर अपनी भागीदारी भी नहीं दिख पा रहे। अपने आसपास तो हम कर सकते हैं लेकिन फिर कभी कभी हिम्मत टूटती है कि ये इतने बड़े लेवल पर इतना कुछ खराब करने की कोशिशें हो रही हैं, तो उसमें अपने अंदर की हारमोनी बनाने में थोड़ी परेशानी आ रही है भैया, तो बस इस बारे में थोड़ा बात करना रखना। जी जी, देखिए कई बार हो सकता है कि इन चीजों को देखे व्यथित होते हैं, परंतु हमको अगर दिखाई दे कि भाई चाहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मान्यताएं गहरी हो गई, विरोध का भाव गहरा हो गया है, अभी तो देखे तो समाज में ऐसे कई परिवार मिलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिशोध के भाव से जी रहे हैं, तो है ही अभी चल रहा है ये सब, तो हमें अगर स्वयं में स्पष्टता बनती है तो फिर हमारे अंदर उनके प्रति करुणा का भाव आता है, पीड़ा का या है ना विरोध का भाव नहीं आता, करुणा का भाव आता है कि देखो इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति में जितना कम कॉम्पिटेंस है उसके प्रति उतना करुणा का भाव आता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ और भागीदारी करनी होगी, इस व्यक्ति के प्रति और सहयोगी होना पड़ेगा,
ताकि मैं इस व्यक्ति के अंदर परिमार्जन को सुनिश्चित कर पाऊँ। तो हम जितने समाज में अव्यवस्था देखते हैं उतने हमारी जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है। तो अगर पीड़ा हो रही है या व्यथित हो रहे हैं तो कुछ अपने अंदर भी देखने की जरूरत है कि हमारे किसी मान्यता में कोई चूक हो रही है। भाई संस्कार पकड़ में नहीं आ रहा भैया कि गलत होता हुआ देख के वो पीड़ा अभी भी हो ही रही, वो संस्कार पकड़ में आ नहीं रहा है, कोशिश भी कर रही हूँ। देखिए अभी भी अगर हम अपने लाइफ में जाके देखेंगे ना तो हमको दिखाई देगा कि हमने जो प्रयास किया उसका फल पड़ना माने में हमको कितना समय लग रहा है। तो अगर हम इस चीज को अप्रिशिएट कर पाते हैं तो दूसरे के लिए भी अप्रिशिएट कर पाते हैं कि अगर व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा तो उसमें और समय लगेगा और ध्यान देगा तो कम समय लगेगा। तो हम जब अपने अंदर भी परिमार्जन को देख पाते हैं तो फिर दूसरे के अंदर जो परिमार्जन की संभावना है उसको भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो वो थोड़ा सा और उसमें बारीकी को बढ़ाने की जरूरत है भाव के स्तर पे, तो वो होने लगता है। जी ठीक है। बढ़िया दीदी। भैया वो मेरी एक दो ऑब्जर्वेशन भी थे, आप बताइएगा सही जा रही हूँ कि नहीं। एक मतलब उन दीदी ने जो अभी शेयर किया था संबंधों में, वैसा मतलब मैं पहले मेरे साथ ऐसे होता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है कि मेरे दिमाग में ना ऐसे स्क्रिप्ट चलती रहती थी पूरा टाइम कि मैं ऐसे बोलूंगी तो आगे वाला मुझे ऐसे बोलेगा, फिर मैं कुछ बोलूंगी तो आगे वाला कुछ बोलेगा। तो मुझे अभी शिविर में ये सॉल्यूशन बताया था भैया ने कि मैं भाव को सुनिश्चित कर लूँ उस व्यक्ति को लेके, अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरे को इसको जाके सॉरी बोलना है और मैं ये भी सोच लेती थी कि वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा और वो रिस्पॉन्ड नहीं आता था तो फिर मैं दुखी होती थी। अगर वो कुछ उल्टा बोल देता था, मेरी कल्पना से अलग बोल देता था, तो मैं बहुत दुखी होती थी और ओवर थिंकिंग में फिर से चली जाती थी कि अब मैं फिर से इसको ऐसा बोलूंगी फिर ये ऐसा बोलेगा, तो फिर से एक वो पूरा तैयार कर लेती थी अपने अंदर और फिर वो नहीं होता था तो फिर से मतलब वो ओवर थिंकिंग में चली जाती थी। तो अभी ना इससे बहुत आराम मिलता है, जब मैं जैसे कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया उसको बुरा लग गया तो मैं भाव सुनिश्चित कर लेती हूँ अपने अंदर कि मेरे अंदर इसके लिए सम्मान का भाव है, विश्वास का भाव है, तो वो कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो जाता है और मेरे अंदर जो वो ओवर थिंकिंग चल रही होती ना वो उसमें काफी आराम मिला है पहले से। हाँ भैया, तो और अभी आपने जो बताया उसके पीछे का मूल संस्कार भी देखना है, तो ये चीज भी मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई कि उसका मेन रीजन अब समझ में आ जाएगा कि वो क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज ये थी कि जो आप स्वयं में मतलब जब हम भागीदारी की बात करते हैं संबंध में, तो भैया ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है कि जब मेरे भाव विचार सुनिश्चित हो रहे होते हैं, व्यवस्थित हो रहे होते हैं अपने में, जब मैं ज्यादा खुद पे काम कर रही होती हूँ इंस्टेड ऑफ बाहर मेहनत करने के, तो वो मतलब ऑटोमेटिक भागीदारी हो ही रही होती है। तो और जब मैं भागीदारी करने की कोशिश करने जाती हूँ और खुद में ही अव्यवस्थित होती हूँ तो वो बहुत खुद में और ज्यादा अव्यवस्था हो जाती है, बाहर भी अव्यवस्था हो जाती है और पूरा मामला बिगड़ जाता है। और मतलब जबकि अगर मैं खुद में सुनिश्चित करती जा रही हूँ तो बाहर वाली भागीदारी थोड़ी थोड़ी होती जाती है। तो खुद में भी सुनिश्चित करने क्रम में ना आपको दिखेगा कि अगर मेरे अंदर भाव स्पष्ट है तो उसको हम दूसरे तक पहुंचाएंगे, शेयर तो करेंगे ही, तो भागीदारी भी सहज रूप से होती है। उसको अगर हम रोक के रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फिर भाव विचार में कोई चूक हो रही है। जी भैया, हाँ, ठीक है भैया, ये दो शेयरिंग थी। और एक एक क्वेश्चन भी है, मतलब अभी जो कंटेंट है इससे रिलेटेड नहीं है, टाइम है तो मैं पूछ लूं? कल पूछ लीजिए या तो मैं थोड़ी सी बात रख लेती हूँ आपके प्रश्न को, कल है ना, पहले आपके ही प्रश्न ले लेंगे। जी भैया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि हम लोग को पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस क्या दिखते हैं, तो बहुत सारी शेयरिंग आई है इसमें। तो अभी हम किस रूप में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर अगर देखें तो बहुत सारे हमारे पास शेयरिंग आई है चैट बॉक्स में, मैं हर एक को तो नहीं पढ़ता हूँ, हम सब इसको देख सकते हैं, परंतु ठीक बात है ये हम अपने जीने से रिलेट करके देख रहे हैं। और आप पाएंगे कि पॉसिबल सोर्सेज तीन ही होते हैं, स्वयं में सही समझ, दूसरा सही भाव, अभी या तो हम स्वयं सुनिश्चित करें या दूसरे से बोरो करें, और तीसरा संवेदना। ये तीन पॉसिबल सोर्सेज होते हैं, है ना। तो जितनी भी शेयरिंग हुई है अगर आप आर्टिकुलेट करेंगे तो इन चीजों से कनेक्ट होगा, बट इस पर हम लोग भी विस्तार से बात करेंगे, है ना, कल परसों में इस पर और विस्तार से बात करेंगे। सर मतलब एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, मतलब
वैसे मैं पिछले जितने भी कोर्सेज अभी किए हैं, जो समझ मेरी बनी है उसके हिसाब से चीज़ें बहुत अंदर से ठीक हुई हैं। लेकिन जैसे एक प्रश्न आता है कि जैसे कि हमने हम अपने इतिहास को खोल के देखते हैं अभी, मतलब मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे हम उन्होंने कोर्सेज कर रहे हैं समाज खुद को समझने की और समाज को समझाने की एक भूमिका के तौर पर हम इसे देखना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि हमारे पीछे जैसे बुद्ध आए या गीता आई, सबने कुछ ना कुछ समाज में समझ बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि हमारी जो आसपास के लोग हैं उनकी समझ डेवलप नहीं हो पाई किसी कारणवश, और आज भी हमारा उनसे टकराव, उनसे मिलना जुलना तो होता ही है, उसमें टकराव की स्थिति बनी रहती है किसी ना किसी तरह से। एक ये हो जाता है कि हमारी समझ अच्छी होती है उनके, अभी रिसेंट ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ कि मैं उनके साथ संबंध का भाव बनाना चाह रहा हूँ, रखना चाह रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उसका एक ऐसा भाव लेके चलता है कि उससे मुझे मूर्ख समझ रहा है या उसमें मतलब वो संबंध डेवलप नहीं करना चाहता, और मुझे उसके लिए फिर एक शक्ति का प्रयोग थोड़ा सा करना पड़ रहा है, जानबूझ के करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मुझे ऐसा क्रेडिट कर रहा है कि नहीं मैं मूर्खता कर रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा एक भाव नजर आ रहा मुझे। मतलब अगर मैं देख रहा हूँ, हालांकि मैं इससे संबंध निभाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो संबंध निभाने की स्थिति में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतलब हमें अंदर से लगता है वो एक शक्ति का या एक बल का प्रदर्शन थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं भाव आ रहा कि करना चाहिए, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। तो इसी स्थिति में करना क्या चाहिए एक्चुअली में? एक करने काम तो यही है कि हम अपने अंदर चिंतन बोध अनुभव के लिए काम करें। वो काम नहीं होता है तो जितना आपने शेयरिंग किया ना, ये विचारों में बहुत सारा उथल पुथल, अंतर विरोध, अंतर द्वंद लगा रहता है, ऐसे करें कि वैसे करें, है ना, ये ठीक है कि वो ठीक है, सब चलता रहता है। मुख्य मुद्दा भाव की स्पष्टता का है। एक बार हमारे अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित हो जाए, हमको दिखे कि दूसरा आदमी करना तो सही चाहता है, समझ के भाव में गलती कर रहा है, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा का भाव आता है, उसके प्रति संबंध का भाव बनता है, और फिर ये विचारों का इतना बोझ नहीं रहता। बिल्कुल सही है, लेकिन उस स्थिति में, उस पर्टिकुलर स्थिति में हम उसको किसी इंसान को अगर वो समझ की स्थिति में नहीं आ रहा है किसी वजह से, या इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, उस स्थिति में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। मैं जानता हूँ कि ये आगे चल के जैसे आपका प्रयास, सबका प्रयास इस तरह होता रहेगा, चीजें बदलेंगी निश्चित तौर पर, लेकिन आज की स्थिति में क्या किया जाए? वही आज की स्थिति में भी वही है जो हर एक स्थिति में है कि हम संबंध के भाव के साथ निर्णय लेंगे। जी जी, तो अगर हमारा संबंध का भाव बना हुआ है तो परिस्थिति का आकलन करेंगे, उसमें देखिए संबंध के भाव के साथ हमको अपने अपना भी मूल्यांकन होता है जी। तो आज वो परिस्थिति खड़ी हुई है, इससे पहले हमने उसके साथ सही समझ सही भाव के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है? हो सकता नहीं बनाया है, ये तो हमारी ही भागीदारी की चूक है ना। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, हमारी एक भागीदारी है पहले से, जो बात हो रही, संबंध तो है ही, बना हुआ है, भागीदारी बनी हुई है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो हम किसी कॉलेज में है, किसी ऑफिस में है, 100 लोग मेरे साथ काम करते हैं, उनके अंदर सही समझ सही भाव के लिए हम कोई काम करते हैं या नहीं करते, कोई भागीदारी कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, या हमको लगता है कि हमारा काम 10 to 5 का है, हम गए अपना जो असाइन टास्क उसको पूरा के चले आए, ये ठीक है, ऐसा नहीं है। वहाँ जो भागीदारी होनी थी संबंधों कहाँ हुई? साथ बैठे भी तो हमने 4 समस्याओं पर बात की, चाय पी, है ना, साथ में कुछ गपशप किया, ये हमारी भागीदारी नहीं है। तो अगर हम प्रोएक्टिवली चले उनके साथ संबंध को निर्वाह करते हुए तो परिस्थितियां कम बनेंगी और धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और सुलझती जाएंगी। इनफैक्ट कई बार आपको दिखाई देगा कि दूसरे व्यक्ति में हो सकता है हमसे ज्यादा पुष्ट संस्कार हो जी। वो और आगे गति कर पा रहा है ना, निकल पा रहा है, आगे योजना कार्यक्रम बना पा रहा है, ये भी होगा। तो हमको दिखाई दे, हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहां पे हमारी एक भागीदारी है, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां हमारी एक भागीदारी है, मैं नहीं पूरा कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है जी। अगर मैं मोहल्ले में बैठ के लोगों के साथ संवाद न करूं तो आज नहीं तो कल कार पार्किंग को लेकर झगड़ा होगा, बिल्कुल बाउंड्री को लेकर झगड़ा होगा। अगर मैं ऑफिस में सबके साथ इन मुद्दों पे बात ना करूं तो आज नहीं तो कल किसी फाइल को लेकर लड़ाई हो जाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक ठीक मैं समझ पा रहा हूँ शिव को, कि हमें अपनी भागीदारी को भी बढ़ाना होगा। बिल्कुल, उसको रोक के रख रहे हैं अभी आप देखिए तो, इनफैक्ट बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, मैंने उसको रोक के रखा हुआ है, ये मेरी गलती। जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं समझ पा रहा हूँ। जी धन्यवाद। बढ़िया भैया, आज जो SIPA स्टूडेंट्स फॉलोअप प्रोग्राम, जैसे हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के जो मॉड्यूल्स है उनको फिर से शेयर करते हैं, तो हर बुधवार को मतलब आज के दिन शाम को 7:30 बजे जूम के ऊपर अवेलेबल, उसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है,
हम में से जो साथी इसे फिर से सुनना चाहते हैं उनको ऐसे ज्वाइन करें, और उसी तरह से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, उसी तरह से प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे वीडियो है और वेबसाइट उसकी लिंक भी अवेलेबल है। तो धन्यवाद। तो आज के लिए असाइनमेंट यही रहेगा जितनी हमने बात की उसको थोड़ा हम अपने आप में और ध्यान से देखें। बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई, जीने को लेकर, भागीदारी को लेकर बात हुई, उस पर थोड़ा सा हम और विचार करें, ध्यान दें, और आगे हम लोग फिर सुख के स्रोत पे बात करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।